पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर नित्य निरंतर आप इस समय तिथियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और आज आपके लिए दिव्य तृतीया तिथि के विषय में लेके आए हैं। यदि आपका जन्म तृतीया तिथि में हुआ है तो निश्चित रूप से आप अपने विषय में इस तिथि का क्या फल है आपके जन्म में यह जान सकते हैं। और तृतीया तिथि का हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहाँ कहाँ किस तरह से क्या प्रयोग होता है, इस तिथि को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं, आज आप इस विषय में अवश्य जानेंगे। और हमको ये विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। निश्चित रूप से जो सज्जन पुरुष हैं उनका जो समय है वह कैसे व्यतीत होता है, तो कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन, शास्त्रों के अध्ययन में उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। कालो गच्छति धीमताम, और जो दुर्व्यसनी व्यक्ति है उनका व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खों का समय दुर्व्यसन में, कुसंगति में व्यतीत होता है। तो इसलिए हम अपने अमूल्य समय से आपके अमूल्य समय को जोड़ते हुए यह अध्ययन निरंतर आपको दे रहे हैं। यदि आप अपने विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक, व्यापारिक, शारीरिक कोई भी समस्या है तो उसका निदान देना ही हमारा परम धर्म है। आज आप श्रवण करें तृतीया तिथि आपके भविष्य के विषय में क्या कहना चाहती है। भारतीय ज्योतिष की गणना के अनुसार तृतीया तिथि का नाम आरोग्यदायिनी तिथि है। यह आरोग्य प्रदान करने वाली तिथि है और इसे सबला नाम से भी जाना जाता है। यह पराक्रम और पुरुषार्थ को देने वाली सबला तिथि है। इसकी स्वामिनी माता गौरी है। इस तिथि को जन्म लेने वाले व्यक्ति माता गौरी की पूजा अर्चना करें तो परम कल्याण उनका होता है और उनको करना भी चाहिए। इस तिथि की जया के अंतर्गत इस तिथि को रखा गया है। जैसा कि हमने प्रारंभ में आपको बताया कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, सारी तिथियों को इन पांच भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको जया तिथि के अंतर्गत रखा गया है। अपने नाम के अनुरूप यह सदैव जय ही प्रदान करने वाली तिथि है। जया नाम है तो जय को प्रदान भी करती है। ऐसे में इस तिथि के दिन किसी पर किसी काम में अपनी जीत हासिल करना हो तो आप तृतीया तिथि को, कोई मुकदमा दाखिल करना हो तो वह बहुत ही अनुकूल तिथि है। इस तिथि का चयन इन कार्यों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। सबसे पहले तो सैन्य शक्ति का, किसी भी तरह का संगठन बनाना हो, सैन्य शक्ति अर्जित करनी हो, शक्ति संग्रह, कोई अखाड़ा खोदना हो, पराक्रम पुरुषार्थ करना हो, जिम जाना हो, और कोर्ट कचहरी में अपने मामले को यदि आपको निपटाना हो, शास्त्र शस्त्र खरीदना चाहते हैं, यदि वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप तृतीया तिथि का चयन करें। निश्चित रूप से दोनों पक्षों में यह तृतीया तिथि यदि आपके जन्म में चंद्रमा अनुकूल है तो आपके लिए अत्यंत शुभदायक होगी। इस तिथि में तिथियों के सुयोग और कुयोग पर शुभ और अशुभ मुहूर्त का निर्माण होता है। तृतीया तिथि बुधवार के दिन हो पड़ जाए तो फिर मृत्यु योग बनाती है। इस योग से बचना चाहिए, क्योंकि इस मृत्यु योग में यदि तृतीया तिथि बुधवार को पड़ गई तो ये आपके कार्य में बाधक होगी। यह योग चंद्रमा के दोनों पक्षों में बनता है। इसके अतिरिक्त किसी पक्ष में यदि मंगलवार के दिन तृतीया तिथि पड़ जाती है
तो अत्यंत सुंदर योग है। मंगलवार को यदि तृतीया तिथि सिद्ध योग बनता है तो इस योग में सभी कार्य करने शुभ होते हैं। विशेष रूप से जिन कार्यों को हमने आपको बताया कि यदि किसी शत्रु पर हमला करना हो, सैन्य शक्ति को शक्तिशाली बनाना हो, उसकी स्थापना यदि मंगलवार के दिन तृतीया तिथि में कर दी जाए तो निश्चित रूप से आपका जो ये दल होगा, जो सैन्य शक्ति होगी, उसका पराक्रम पुरुषार्थ सदैव बढ़ता रहेगा। बुधवार के साथ मिलकर यह तिथि दग्ध योग बनाती है और दग्ध योग में सभी शुभ कार्य करने वर्जित हो जाते हैं, इसलिए मना किया गया है। तृतीया तिथि में शिव पूजन का मुहूर्त नहीं रहता है। यदि आप भगवान शिव का विशेष अर्चन करना चाहते हैं तो तृतीया तिथि को भगवान शिव क्रीड़ा में रहते हैं, इसलिए शिववास उस दिन नहीं रहता है। तृतीया तिथि में शिल्पकला, शिल्प संबंधी कोई तकनीकी कार्य है, अन्य कार्यों में सीमंतोपनयन, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, विवाह और राजकाज संबंधी कार्य, उपनयन आदि कार्य संपन्न कराए जाते हैं। तृतीया तिथि को यदि आपका जन्म हुआ है तो जिस व्यक्ति का जन्म तृतीया तिथि में होता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति सफलता के लिए सदैव प्रयासरत होता है। मेहनत न करने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति प्रायः कमजोर हो जाती है, इसलिए तृतीया तिथि वाले लोग, ऐसे व्यक्ति द्वेष रखने वाले होते हैं, उनको दूसरों पर, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति पर ईर्ष्या उत्पन्न होती है क्योंकि वह थोड़ा से अपने प्रयास में ज़्यादा उसके लिए वो नहीं करते हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जहाँ तक कुछ आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। और कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम अपने जीवन में आलस्य को त्याग दें तो हर सफलता हमें निश्चित रूप से अर्जित होती है। तो मित्रों, तृतीया तिथि को जन्म लेने वाले जातक थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको अपने आलस्य को त्याग करके और आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। कई बार वो अपने प्रयासों में कमी के कारण मिलने वाले लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपका जन्म तृतीया तिथि में हुआ है तो आप सावधान हो जाइए, आलस्य से बचिए। आलस्य मनुष्य के जीवन की प्रगति में बाधक है। इस तिथि में जन्मे हुए जातक अपने विचारों पर बहुत अधिक समय तक टिक नहीं पाते। यदि किसी विचार को रखते हैं किसी के समक्ष, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके विचार में बदलाव आने जाते हैं। किसी न किसी कारण से मन में स्थिरता का अभाव रहता है और जब आपकी बात में थोड़ी थोड़ी देर में बदलाव आएगा तो निश्चित रूप से आपका वजन समाज में कम हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल जाएं जो सही गलत के प्रति सजग कर सके तो वह जातक जीवन में सफलता पा सकते हैं और सफलता पाने में निश्चित रूप से सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके जीवन में आर्थिक संघर्ष सदैव बना रहता है। इसलिए यदि इनको किसी ऐसे मित्र की संगति प्राप्त हो जाए जो इनके आलस्य को दूर कर सके और जो इनको सजग बना सके, तो निश्चित रूप से यह अपने जीवन में नई ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में इनके सदैव इसीलिए संघर्ष बना रहता है। इसका मुख्य कारण है जातक दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होता है, किसी न किसी के पीछे चलने की आदत होती है। वह स्वयं बहुत अधिक संघर्ष करने की कोशिश नहीं करते हैं, आसान रास्ते खोजते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति हमको किस तिकड़म से प्राप्त हो जाए, केवल इसी बात का चिंतन करते रहते हैं, उसको पाने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में कई बार कई चीज़ों पर निर्भर रहना और उस निर्भर रहने के कारण उनसे वंचित रह जाना। जातक को घूमने फिरने का शौक होता है लेकिन बहुत भ्रमण नहीं कर पाते, और वह जातक एक सफल प्रेमी हो सकता है। अपने परिवार के प्रति लगाव बहुत रहता है, अपने परिवार में समय अत्यधिक देते हैं और हर चीज़ को अपने बुद्धि के द्वारा ही हासिल करना चाहते हैं। कहते हैं कि आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन मेवच पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। पांच चीज़ें परमात्मा
गर्भ में ही अंकित कर देते हैं आयु कितने दिन जीना है, इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आयु कर्मंच, काम क्या है आप करेंगे, यह भी पहले से निश्चित हो जाता है पर हमको ज्ञात नहीं होता। यदि तिथि और नक्षत्र और वार और अपने जन्म लग्न पर हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमें ज्ञात हो सकता है कि हमारा कर्म पहले से क्या निश्चित है। आयु कर्मंच वित्तंच, धन कितना आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा, अविद्या निधन में उच्चे, कितनी विद्या आप अध्ययन करेंगे, ये पांच चीज़ें गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। इसलिए यदि आपका जन्म अक्षय तृतीया में हुआ है या किसी भी तृतीया में हुआ है तो निश्चित रूप से आप सावधान होइए, आलस्य से बचिए, तो आप अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इस अक्षय तृतीया को, चूँकि तृतीया का जो महत्व है वह अक्षय तृतीया से बहुत बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को भी हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त होता है, यदि हमको वर्ष में कहीं कोई मुहूर्त नहीं मिलता तो इसमें हम सभी प्रकार के मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। गणगौर तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को कहा जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से सौभाग्य की कामना के लिए होता है और विवाहित स्त्रियों के प्रति मंगल कामना के लिए व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान शिव पार्वती की मूर्तियों को स्थापित करके पूजन किया जाता है। और इसी तृतीया भादों जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उसको हरतालिका व्रत भी कहते हैं। इस तृतीया में स्त्रियां अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए हरतालिका व्रत करती हैं। वह भी तृतीया तिथि जो हस्त नक्षत्र से संयुक्त होती है उसी पर पूजा होती है। इस तृतीया तिथि में केदारनाथ बद्रीनाथ भगवान की यात्रा आरंभ होती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा का आरंभ हो जाता है। इस दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। चार धाम की यात्रा का आरंभ भी इसी दिन से होता है। रंभा तृतीया जो अत्यंत श्रेष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन रंभा तिथि तृतीया मनाई जाती है, इसे रंभा तीज व्रत भी कहते हैं। इस दिन व्रत और पूजन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख हेतु करती हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी पाने की इच्छा से यह व्रत करती हैं। तीज श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज उत्सव मनाया जाता है। तीज के समय प्रकृति से भी सुंदर छटा दिखाई देती है। इस त्यौहार में पेड़ों पर झूला डालते हैं और झूले जाते हैं और महिलाएं इस दिन विशेष रूप से व्रत रखती हैं। इसे हरियाली तीज के नाम से हम लोग जानते हैं। बाराह जयंती भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से भगवान का एक बाराह अवतार है। इस अवतार को धारण करके भगवान इस धरती को हिरणाक्ष के बंधन से मुक्त करके लाए थे और तभी से इस सृष्टि का आरंभ हुआ। बाराह अवतार में भगवान विष्णु पृथ्वी को बचाते हुए हिरण्याक्ष का वध करने हेतु भगवान श्री हरि विष्णु बाराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो मित्रों, यदि आपका जन्म भी तृतीया तिथि में हुआ है तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। बस आप पराक्रम पुरुषार्थ के लिए तैयार हो जाइए। अपने आलस्य को दूर करते हुए यह सोचिए कि हमको हर चीज़ बुद्धि से ही प्राप्त नहीं हो सकती है, उसके लिए पुरुषार्थ और पराक्रम करने की परम आवश्यकता है। तो इस तिथियों के क्रम में आज हमने तृतीया तिथि के महत्व के विषय में बताया। जैसे ही इन तिथियों का क्रम पूरा होता है तो आपके जन्म नक्षत्रों पर भी, हम जन्म वार पर, जन्म लग्न पर और इसके बाद जन्म कुंडली के फलों पर भी और उसके प्रभाव पर भी चर्चा करते रहेंगे। और हम यह आशा करते हैं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगता होगा। यदि आप इस बारे में अपनी कुछ राय हमें देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के दे सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में शीघ्र ही आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।